नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बेस्ट प्रोफेशन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपा करके वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नौकरी करने के बाद या फिर कोई बिजनेस करने के पश्चात आपके पास खाली टाइम रहता है और आप उस खाली टाइम में आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कोई साइड बिजनेस चालू कर सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि अपने खाली समय में कौन सा साइड बिजनेस करना चाहिए, ताकि आपको साइड बिजनेस के जरिए भी एक्स्ट्रा इनकम हो और आपकी कमाई भी अधिक हो। एक LIC एजेंट का बिजनेस। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम LIC एजेंट का बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट को जमा करके और आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करके LIC कंपनी का एजेंट बनना पड़ता है, और उसके बाद आपको लोगों को LIC की पॉलिसी बेचनी पड़ती है। आपको हर बेची गई पॉलिसी के पीछे कमीशन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जितना अधिक से अधिक आप काम करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी कमाई भी होगी। दो, रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस। वर्तमान के समय में लोग घर खरीद रहे हैं, साथ ही घर अथवा जमीन भी बेच रहे हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो लोग घर या फिर जमीन बेचना चाहते हैं, उन्हें अपनी जमीन या फिर घर का सही दाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें सही कस्टमर नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा समय में रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं और लोगों को उनकी जमीन को बिकवाने में सहायता दे सकते हैं और बदले में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तीन, कंटेंट राइटिंग बिजनेस। यह तो घर बैठे करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसे भी आप साइड बिजनेस की कैटेगरी में किए जाने वाले बिजनेस में गिन सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है आर्टिकल लिखना। जैसे अभी आप जो यह जानकारियां पढ़ रहे हैं, यह भी एक प्रकार का आर्टिकल ही है, जिसे पोस्ट या फिर कंटेंट कहा जाता है। अगर आप अच्छी रिसर्च करके आर्टिकल लिख सकते हैं, तो आप घर बैठे कंटेंट राइटिंग का काम करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। चार, ट्यूशन का बिजनेस। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो घर बैठे ही आप साइड बिजनेस के तौर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बदले में आप अपने हिसाब से प्रति बच्चे के पीछे पैसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि सामान्य तौर पर 300 रुपए तो महीने में होते ही हैं। इस प्रकार अगर आपके ट्यूशन क्लास में 10 बच्चे भी आते हैं, तो आप महीने में 3000 रुपए की इनकम कर सकेंगे, और अगर आपकी ट्यूशन क्लास में अधिक बच्चे आते हैं, साथ ही आप फीस भी थोड़ी सी ही अधिक ले रहे हैं, तो आपकी कमाई 3000 से भी अधिक हो जाएगी। ट्यूशन टीचिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह बिजनेस आप घर बैठे ही चालू कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आपको अपने ज्ञान को बांट करके पैसे कमाने पड़ते हैं। पांच, इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस। वर्तमान के समय में लोग अपना खुद का घर लेने लगे हैं अथवा बनवाने लगे हैं, और हर व्यक्ति घर लेने के पश्चात उसे सजाने का पूरा प्रयास करता है। घर की सजावट को इंटीरियर डेकोरेटिंग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कभी कभी व्यक्ति खुद से ही अपने घर को सजाने का काम करता है, तो कभी कभी वह ऐसे व्यक्ति एजेंसी को हायर करता है जो उसके घर को सजाने का काम करती है, और बदले में एजेंसी या फिर व्यक्ति घर के मालिक से अपनी फीस प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम आता है या फिर आपने इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम सीखा हुआ है, तो आप अपने खाली समय में साइड बिजनेस के तौर पर इस वर्क को करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को करने पर आपको घरों को सजाने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही आपको ऑफिस और दुकानों को भी सजाने का मौका मिलेगा, जिसके जरिए आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम आता है या फिर आपने इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम सीखा हुआ है, तो आप अपने खाली समय में साइड बिजनेस के तौर पर इस वर्क को करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को करने पर आपको घरों को सजाने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही आपको ऑफिस और दुकानों को भी सजाने का मौका मिलेगा,
जिसके जरिए आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं।